नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, रामाय राम भद्राया रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाया सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। हरे कृष्ण एक्टिविटी क्लास बेस्ड टू संवत कार्ड प्रेजेंट डेट 30th ऑफ मार्च 2020 एट इस्कॉन बहादुरगढ़। दिस राम कथा सीरीज लेक्चर 2। तो हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें और भी शिक्षाएं हैं। कल हमने कुछ शिक्षाओं के ऊपर चर्चा किया था, आज थोड़ा सा और उसके विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, शुभ विलास प्रभु ने ये रामायण की पुस्तकें लिख रहे हैं, उसमें से वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। तो प्रभु जी बताते हैं हनुमान जी की ये छलांग जो कि 100 योजन के समुद्र में उनको लगाई, हमको बहुत सारे लेसन्स देती है। कुछ लेसन्स देती है फ्रॉम द व्यू ऑफ लाइफ प्रस्पेक्टिव्स, जीवन के अनुसार, और कुछ देती है भक्ति के प्रोसेस के अनुसार। कुछ उससे शिक्षाएं, कुछ लेसन्स, कुछ टीचिंग्स हमको प्राप्त होती हैं, कैसे एक साधका को इन सिचुएशंस को समझना चाहिए और कैसे उनको अप्लाई करना चाहिए। थोड़ा हमने डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा उसको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, और इट वुड बी अ काइंड ऑफ इंटरेक्टिव सेशन। सो मैं चाहता हूँ आप डिस्कस करें, जस्ट मैं ट्राई। सो फ्रॉम द फर्स्ट विल डिस्कस कि जीवन के अनुसार फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ लाइफ हम क्या लेसन सीखने को मिलता है। तो हनुमान जी एक मिशन के मिशन में जा रहे हैं, है ना, और मिशन की शुरुआत करने से पहले की क्या स्थिति थी? भूल चुके। तो कोई भी मन को अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल कोई अचीव करना चाहते हो, सबसे पहला चेक उसके जीवन में उसको क्या महसूस होता है, जैसा कि हम उस स्थिति से देख सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज किसी गोल को कम्प्लीट करने में, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हाउ कि ये वेदर आई विल बी एबल टू अचीव इट और नॉट, यानी कि इसको कहना चाहिए देर मे बी ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। तो ऐसा ही देखा जा रहा था वहां पर, सभी लोग एक तरीके से हतोत्साहित थे, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इतना विशाल समुद्र उसको कैसे हम लांग पाएंगे, और अगर लांग भी गए तो क्या सीता माता का पता लगा पाएंगे, और अगर पता लगा भी लिया तो क्या वापस आ पाएंगे। सो ऐसा उनके मन में इस प्रकार कुछ डाउट्स थे, या देर वॉज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इट वॉज अ काइंड ऑफ मिशन इम्पॉसिबल। लेकिन ये मिशन पॉसिबल हुआ और उसका एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट था, दैट विल डिस्कस। तो सबसे, और अगर किसी व्यक्ति, और जैसा कि बताते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, किसी को विश्वास नहीं है, तो उसको किस आवश्यकता पड़ती है, उसको गाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर गाइड का रोल परफेक्टली प्ले किया जामवन जी ने। तो जामवन जी अगर देखा जाए तो अगर ऐसा कहा जाए, मतलब क्योंकि उनके एक्सटर्नली रूप से उनके गुरु नहीं थे, he was जस्ट अ सीनियर डिवोटी, है ना, सी पर्सनैलिटी, लेकिन
he was perfectly, yes, sufficiently experienced and realized to impart him such a knowledge. है ना? और जामवन जी ने एक परफेक्ट मेंटर का कार्य सोहत किया और हनुमान जी को आश्वासन दिलाया कि आपके अंदर इधर इतनी शक्ति है, आपने पहले भी ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं और आप अभी भी कर सकते हैं। तो जामवन जी की बात सुनकर हनुमान जी को कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने उस मिशन को करने का विचार किया, ऐसा सोचा कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में, जब उसके जीवन में किसी भी समस्या को लेकर, चैलेंज को लेकर अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमें ऐसे जामवन जैसे सीनियर मेंटर की आवश्यकता पड़ती है, है ना? तो कभी कभी वो हमारे, वह रोल हमारे स्पिरिचुअल मास्टर भी अदा कर सकते हैं और वह रोल कभी कभी हमारे जीवन में कोई सीनियर भी अदा कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट भगवान की उपस्थिति नहीं थी, भगवान नहीं थे, एक टास्क के लिए सबको भेजा गया था, कुछ टीम मेंबर्स थे। और बेसिकली देखा जाए तो जामवन जी एक एडवाइजरी का रोल ही निभा रहे थे, एक मेंटर का, एक गाइड का, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का ही रोल निभा रहे थे, यही उनका रोल था एक्चुअली। पार्टिसिपेट करें, वृद्ध हो चुके थे, अपनी शक्ति का बताया उन्होंने, जब मैं जीवावस्था में था तो इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता था, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, पृथ्वी का और ब्रह्मांड का व्हाटएवर। तो इस प्रकार से हनुमान जी की मदद से जो पहला चैलेंज हनुमान जी ने फेस कर रहे थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको उन्होंने ओवरकम किया। दूसरा, क्या चैलेंज इनको महसूस हो रहा था? कौन गया तो हो गया क्लियर, हनुमान जी करेंगे। उन्होंने लक्ष्य को देखा, तो अभी इससे कुछ अंदाजा लगाइए कितना दूर है। 100 योज का समुद्र है, मैं कहां पर हूं और मुझे कहां जाना है, अभी क्या मेरी करंट पोजीशन क्या है और मेरा गोल क्या है, इसको उन्होंने देखा। वेयर वी आर एट एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आज से 5 कंपनी में इंटरव्यू लिया जाता है ना, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, वो टर्म्स ऑफ ये भी जानना चाहते हैं कि व्यक्ति का मिशन स्टेटमेंट क्या है, उसको अपना गोल क्लैरिटी है कि नहीं है, तो ये जानना कि ये सबसे पहले जानना, ठीक है? तो जब इसको जान लेते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि कैसे और कब अपना जो पहला स्टेप है उसको लिया जाए, ठीक है? तो हनुमान जी ने कैसे अपना पहला स्टेप लिया? पर्वत पे चढ़े। हाँ, वो एक पर्वत पे चढ़ गए और नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, ऋषिमुख नहीं, ऋषिमुख नहीं है, रिश्ते है, महेंद्र पर्वत महेंद्र पर्वत पे चढ़े और उन्होंने छलांग लगाई। तो वो छलांग क्या रिप्रेजेंट करती है? वो छलांग रिप्रेजेंट करती है इसे लीप ऑफ फेथ विद कॉन्फिडेंस, है ना? तो इसको रिप्रेजेंट करती है। और वो छलांग लगाने से पहले हनुमान जी ने जब से इम्पोर्टेंट कार्य किया, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। हाउ ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ? बाय प्रेइंग और बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, बाय टेकिंग नेम्स ऑफ द लॉर्ड। सो द एक्चुअल फेथ बूस्टर और द एक्चुअल कॉन्फिडेंस बूस्टर इज एक्सेप्ट द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। Why so? Because हर शक्ति के स्रोत भगवान है और स्थिति में हेल्प करते हैं, रक्षा करते हैं, स्थिति विश्वास हो। So this, उन्होंने अपने आप को ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ मेंटली बाय प्रेइंग एंड देन ही टुक दैट
leap of faith, having full faith on Krishna or Lord Ram, whatever. Krishna बार बार निकलता है ना. तो इस प्रकार से उन्होंने छलांग लगाई. तो मिशन पूरा करने के जब उसकी यात्रा, अब एक तरीके से देखा जाए तो यात्रा शुरू हो चुकी है. यात्रा शुरू होने में जब व्यक्ति की अभी यात्रा शुरू हो चुकी है लेकिन गोल अचीव नहीं हुआ, तो बीच में उसको कुछ चैलेंजेस आते हैं. किस प्रकार से, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? कॉम्प्लेसेंसी, मैच्योर एल्योरमेंट, फॉल्स ईगो प्राइड. यस, तो इसको अगर लाइफ के उसमें देखा जाए तो लाइफ के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो दे आर कॉल्ड मेंटल ब्लॉक्स इन टर्म्स ऑफ लाइफ प्रोस्पेक्टिव्स, है ना. तो ये कई बार किस प्रकार से कैसे कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं समटाइम्स स्लोस डाउन द पर्सन विद अ थॉट. कई बार ऐसा थॉट होता है कि क्या मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, क्या मैं वाकई इसको पूरा कर पाऊंगा, क्या मैं बहुत बहुत तेज गति से तो भाग रहा हूँ, बहुत गति से तो नहीं चल रहा हूँ. हो सकता है गोल आने से पहले ही मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँ, हो सकता है मेरी सारी शक्ति क्षीण हो जाए वहां पहुंचने से पहले. क्या मैंने सही स्पीड नहीं आई है? ऐसा वाकई हुआ है सच्चाई में. अगर आप लोगों ने मिल्खा सिंह की स्टोरी पढ़ी होगी, उसके ऊपर एक अभी पिक्चर भी बनी थी, भाग मिल्खा भाग भाग दिन मैग मैग देश बढ़िया. तो बताओ हुआ था ना, वो अपने अपने आप शेयर करते हैं, मिल्खा सिंह बताते हैं. अच्छा ठीक है, बताओ. नहीं नहीं अरे अरे भाई साहब आप बताओ. वो मतलब करके जब रेस, मतलब मैंने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा यार हुआ है, जब रेस होने वाली होती है उनके थोड़ा सा और डिटेल ऐड करने की कोशिश. ओलंपिक्स का गेम था, वो दौड़ रहे थे, वो आगे आगे थे, सबसे आगे थे. तो उन्होंने जस्ट मुड़ के देखा कि मैं कहीं, मतलब मेरे पीछे प्रतिद्वंदी कितना आगे, ऐसा कुछ थोड़ा सा ऐसा नहीं था. नहीं, वो सबसे आगे दौड़ रहे थे और अगर वो उसी गति से दौड़ते रहते तो वो जीत जाते. लेकिन उनको ऐसा लगा, उनको बिल्कुल बिल्कुल यही थॉट आया कि क्या मैं बहुत तेज तो नहीं दौड़ रहा हूँ और क्या मैं उसे आने से पहले एग्जॉस्ट तो नहीं हो जाऊंगा, मैं सबसे आगे हूं. तो थोड़ा सा क्यों ना थोड़ा सा स्लो हो जाऊं, थोड़ा सा. और जैसे वो थोड़ा सा स्लो हुए फिर उनको वो पिछड़ गए. स्लो डाउन हिमसेल्फ अ लिटिल बिट, थोड़ा सा उन्होंने स्लो कर लिया अपने आप को, तो ये लॉस द गेम. फिर कैसे वो तो स्लो हो गए ना, बाकी तो और बहुत तेज था ना. पीछे देखने का तो समय नहीं होता है, बट जो भी है अगर देखा भी होगा शायद देखने में स्लो डाउन हो गए होंगे, वॉट एवर, मुझे इतना डिटेल नहीं पता. बट दैट थॉट केम इन टू हिज माइंड. उन्हें पहले तो जीता था लेकिन वो सेकेंड शायद नहीं जीत पाए थे, समथिंग लाइक दिस. तो इतना डिटेल नहीं पता, अगर किसी को पता है तो. सो ही लॉस्ट, बस यही थॉट आया कि क्या मैं ज्यादा तेज तो नहीं दौड़ रहा हूँ, क्या अपने लक्ष्य को पूरा करने से पहले, बिल्कुल बिल्कुल सेम, क्या मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने से पहले ही तो एग्जॉस्ट नहीं हो जाऊंगा. तो इस अ काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉक कभी कभी आता है. और जब ऐसे मेंटल ब्लॉक्स आते हैं तो देन कम्स द डिजायर फॉर रेस्ट, कंफर्ट, है ना, कंप्लेसेंसी. देर इज अ डिजायर रेस्ट और कंप्लेसेंसी. अब हो भक्ति, चलो भक्ति के विषय में बाद में ही बात करेंगे, है ना. और कभी कभी एक फियर भी हो जाता है, फियर ऑफ ब्रेकिंग डाउन, कहीं मैं पहले ही एग्जॉस्ट नहीं हो जाऊंगा, इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ, थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए.
और कभी कभी इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रेक्शन टेम्पटेशंस इन सम वे अदर्स. तो इसके लिए इनको कैसे ओवरकम करना चाहिए, इसको क्या वर? प्रभु जी आप जो ऑनलाइन वो भी उत्तर दे सकते हैं. दे आर फ्री टू डू सो. डिस्ट्रैक्शंस के लिए वॉट एवर, ये जब ये इस प्रकार के मेंटल ब्लॉक्स आते हैं वेयर वी लूज साइट ऑफ आर गोल, वी कैन से, है ना, गोल पर फोकस रखना चाहिए. बिल्कुल गोल पर फोकस रखना चाहिए. नेवर लूज साइट ऑफ द गोल. और अगर कोई रेस्ट करना भी है तो वो अचीव करने के बाद बाद को करना चाहिए. व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः गुरु नंदना. तो अपने गोल को सिंगल पॉइंटेड अटेंशन पूरे फोकस के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. हमेशा ये याद रखना चाहिए कि नो टेम्पटेशन इज वर्थ लूजिंग द गोल और द साइट ऑफ द गोल, एंड our mission is more important than all these comforts, temptations and distractions. our goal is more important. jaisa agar aap dekhte honge ki student life, if he wants to crack IIT, most of you are IITians, so everyone has to pursue his goal without being distracted by so many temptations and all other things. अगर उसको साथ के साथ चलते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा. उनको साइड में रखना ही पड़ता है. कंफर्ट को भी सक्रेस करना अपना पड़ता है. टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस को भी पछाड़ना पड़ता है, पीछे छोड़ना पड़ता है. सो दिस सिंगल पॉइंटेड फोकस और अटेंशन हेल्प्स वन टू अचीव हिज गोल. And then comes when one is about to reach his goal. Then what happens when one is about to reach his goal? Overconfidence हो जाता है कि मैं तो जीत ही जाऊँगा. Overconfidence भी हो जाता है. Yes. And overconfidence होता है तो उसी में चला जाएगा. Complacency. That is. One thing more happens when there is a sense of achievement. Pride. Pride is also there, and is also there this competitive mentality. कि अभी मुझको अपने इसको बनाए रखना है, इस position को मेरे को बनाए रखना है, है ना? तो ये किससे रिप्रेजेंट करता है? अपनी पोजीशन को बनाए रखना, बढ़ा कर रखना, बढ़ा चढ़ा कर रखना. सो ये सुरसा के साथ जो कंपटीशन हो रहा था हनुमान जी का, दोनों अपना आकार बढ़ा रहे थे, एक दूसरे से कम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे. तो उससे क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था. कुछ तो हो रहा था. समथिंग वॉज हैपनिंग. कुछ तो हो रहा था. हनुमान जी उसके साथ साइज में कॉम्पीट कर रहे थे. सो फॉर हिम, फॉर सुरसा हो सकता है दिस मे बी एंगेजमेंट और मे बी एंजॉयमेंट. हनुमान जी के लिए शेयरली अ वेस्ट ऑफ टाइम. दैट वॉज अ नीडलेस कॉम्पिटिशन फॉर हिम. अगर वो उस कंपटीशन को जीत भी जाते तब भी उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला था. दैट वॉज नॉट हिज गोल टू डिफीट सुरसा, है ना, इन द साइज. दैट इज नॉट हिज गोल. तो कभी कभी ऐसा होता है भी हम नीडलेस कंपटीशन में फंस जाते हैं. तो हमारा एक्चुअल गोल है उस हम वी मे बी ईजली डिस्ट्रैक्टेड और वी मे ईजली फॉरगेट आर मेन गोल. लेकिन हनुमान जी ने बिल्कुल भी इस कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी के कारण बिल्कुल भी
अपने गोल से नजर नहीं हटाई या नजर हटने नहीं दी, उन्होंने क्या किया, इमिडिएटली जाने दी, छोड़ से इनसे क्या बहस करनी है ना, इनसे क्यों टाइम वेस्ट करना। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास आए थे दिग्विजय वल्लभाचार्य, जो आई डोंट नो लिखने के लिए जिन्होंने दिग्विजय आए थे, वो हस्ती पत्र लिखवा लिया था कि हमसे कम्पीट करो नहीं तो हार मान जाओ, तुरंत उन्होंने बोला साइन कर देते हैं, फायदा क्या इनसे, ये तो हमारा गोल नहीं है, हार भी गए तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लिख दिया वो उस पर साइन कर दिया, ठीक है जी आप ही प्रखंड पंडित हैं, हम तो हैं नहीं। सो इमीडिएटली वो है एक हम्बल पोजीशन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इनसे कंपटीशन करना, इनसे बहस में पड़ना, वाद विवाद करना हमारा गोल ही नहीं है। वो बोलते ना छोड़ जाने दो यार, क्यों फालतू की बहस करनी, और या कभी कभी ऐसे भी होता है क्या भैंस के आगे बीज बजाना। तो जो समझेगा ही नहीं, या कभी कभी ऐसा भी होता है जो समझेगा ही नहीं, या उसे मतलब क्या प्राप्त होने वाला है हमको। सो समटाइम्स वी गेट इनटू सच नीडलेस कॉम्पिटिशंस एंड वी फॉरगेट आर वर्दी गोल्स और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स। इसीलिए तब उस स्थिति में जो हनुमान जी अपने एग्जाम्पल से हमको इनको सिखाएं कि उसको छोड़ देना चाहिए और अपने गोल पर फोकस करनी चाहिए। और जब हम इस प्रकार से कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन लेकर करते हैं, प्रतियोगिता किस लिए होती है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने अपनी क्या महानता को या भक्तता को सिद्ध करने के लिए। तो व्हेन वन गिव्स अप दिस डिजायर टू प्रूव हिमसेल्फ सुपीरियर इमीडिएटली और ऑटोमेटिकली बाय गिविंग दिस डिजायर ऑफ सुपीरियरिटी इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली वन इज एन ईजिली वन कैन रीफोकस हिज ऑल हिज अटेंशन ऑन हिज गोल। तो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अप दिस कॉम्पिटेटिव मेंटेलिटी। And why it is very important to give up this competitive mentality? क्योंकि इस competitive mentality से हमको ऐसा लगता रहता है कि जीत किस में होगी, जीतने में ही होगी, जो जीता वही सिकंदर। ये अपने आप को हम तभी establish कर पाएंगे जब हम जब सबसे आगे होंगे, और जब हम अपने आप को सबसे ज्यादा महान सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी इस मेंटालिटी के कारण वी लूज आवर साइट ऑफ द गोल। सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ कॉम्पिटिंग विद अदर्स। और कहां पर जरूरत है झगड़ा करने की या कम्पीट करने की, आगे की पैसन में आएगा तो ये वन नीड्स इंटेलिजेंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आगे हनुमान जी सबके साथ ही हम्बल पोजीशन लेके चलते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा आवश्यकता नहीं है, इमीडिएटली ही लेट इट गो। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वी डिस्कस यस्टरडे अबाउट दिस। हाँ, सो व्हाट हैपेंस, शैडो, व्हाट इज शैडो एंड व्हाट इज फ्लाई, क्रैब मेंटालिटी, यस दिस आर ऑल राइट। इन लाइफ प्रोस्पेक्टिव व्हाट डज द फ्लाइट रिप्रेजेंट्स ऑन व्हाट डज द शैडो रिप्रेजेंट्स, मतलब पूरा हवा में तोड़ जाओगे, हवा तो उड़ी रहते हो बोलते ना इसको पॉजिटिव देना चाहिए, ये आसमान की ऊंचाइयों को छू लेना। तो ये वो हनुमान जी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे, बादलों से ऊपर उड़ रहे थे, पॉजिटिवली आई है, इट रिप्रेजेंट सक्सेस, अचीवमेंट, सक्सेस इट रिप्रेजेंट। एंड व्हाट डज शैडो रिप्रेजेंट,
नहीं, शैडो रिप्रेजेंट द वीक पॉइंट ऑफ दैट पर्सन. तो जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, जो जिनके दिन से सिमिका जैसे व्यक्ति होते हैं, उनसे दूसरे व्यक्तियों की सफलता नहीं देखी जाती, तो तुरंत उसके वीक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं आउट ऑफ एनवी. इतना ऊपर कैसे उड़ रहा है, ये देखो ये मैं, इसके अंदर ये कमी है ना, तो उसके पास सारा अटेंशन या फोकस उसके उसके ऊपर लाना चाहते हैं, उसको ग्रैब कर लेते हैं ताकि उसकी प्रगति रुक जाए. So this is what happens. Or in spite of having so many positive points and qualities, they overlook all this and focus their whole attention on finding fault with that person. You know, so catching hold of a shadow represents like criticizing and finding faults. So इससे क्या नुकसान होता है? वैष्णव अपराध वाला सेक्शन आगे चर्चा करेंगे. जनरली सो वन इज गेटिंग एनवी. सो व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवी इन वन्स ओन लाइफ? खुद प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. कैसे प्रोग्रेस नहीं पाएंगे? जलते रहेंगे, प्रयास नहीं करेंगे आगे करने का. और ऐसा क्यों नहीं है? कि जब जो व्यक्ति आसमान में उड़ रहा है, ही इज सक्सेसफुल, ही हैज गॉट सम क्वालिटीज, ही हैज गॉट सम पॉजिटिव आइडियाज और व्हाटएवर, तो उनसे इंस्पिरेशन लेने की बजाय, उनसे लर्निंग्स, उनसे टीचिंग्स लेने की बजाय, हमारा सारा ध्यान उनकी कमियों के ऊपर है. तो जो उसे अच्छाइयां हैं, उससे कभी हम सीख नहीं ले पाएंगे, और हमेशा उसकी बुराइयों के ऊपर ही हमारा ध्यान रहेगा. इट इज सेड सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस leads the celebrating our own successes. कैसे? किसी के दूसरे की सक्सेस को हम सेलिब्रेट करते हैं. That means we are getting inspired from him. है ना? Inspired उसके द्वारा अपनाए गए मार्ग को अपने जीवन में अपनाने के लिए, या उससे कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं. So we try to learn from him. आपने कैसे किया? How did you achieve that? Would you please kindly share it with me? और अगर उसमें हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, तो कम से कम हम सीखने वाले तो नहीं है. सीखने के लिए हमें हम्बल पोजीशन चाहिए. सीखने के लिए ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसके अंदर अच्छे गुण है और मेरे अंदर नहीं है, तो हम कभी भी उससे सीख नहीं पाएंगे. तो दैट मीन्स हम कभी भी वो स्थिति को अपना नहीं पाएंगे. जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे, अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमको उनको सर्व करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए. और एक और जो कार्य हम कर सकते हैं, तो महात्मा प्रभु सजेस्ट, इफ यू हेल्प अदर्स इन अचीविंग देयर गोल्स, वन डे यू विल ऑल्सो अचीव योर गोल्स. So this is the way to achieve your goals. So rather than pulling him down, if we help him in achieving his goals, pursue his goals. So Krishna, yes, of course, if he desires, and he will help us in achieving our goals. Or अल्टीमेटली हम सबका गोल एक ही है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए. सो दिस इज फ्रॉम द लाइफ प्रोस्पेक्टिव, दिस टीचिंग्स कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पास्ट टाइम्स एज रिटन बाय शुभ विलास प्रभु. सो वी आर शेयरिंग फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम हिज बुक, एंड देन ही गिव्स अस
few spiritual perspectives also. Future perspective कैसे? Spiritual. अभी life perspective से life perspective में क्या goal था? ओशियन को पार करना है ना, लंका को लंका जाना है. और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है? हनुमान जी का सीता को मिलना है. सीता रिप्रेजेंट्स, सीता माता रिप्रेजेंट्स भक्ति देवी, नॉट लिविंग एंटिटी. सीता माता रिप्रेजेंट भक्ति देवी. तो एवरी साधका हैज अ गोल है ना, टू अटेन भक्ति इन हिज हार्ट. तो वो क्या 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 चैलेंजेस आते हैं व्हेन ही इज परस्यूइंग हिज गोल? और जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये लाइफ प्रोस्पेक्टिव में जो चैलेंजेस डिस्कस किए, दे आर मोस्टली एक्सटर्नल. बट इन स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव दीज ऑल आर मोस्टली ऑल दीज चैलेंजेस आर इंटरनल. सो नाउ वी विल थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ same things, but we will think about in terms of internal challenges. What challenges are, you know? So what was the challenge one? Yeah, quite similar. The challenge one was also internally also this kind of challenge is there, the lack of confidence or a self doubt. और जब किसी को ऐसा होता है, किसी को अपने आप ऊपर संशय हो जाता है, संशय आत्मा बिना विनश्य है ना, तो उसको किसकी words of inspiration की आवश्यकता पड़ती है. यस. And similarly to that, he needs the help, the words of inspiration from a mentor or a guide or a siksha guru, hai na, who help us on this path of spirituality. Or then say, jaisa ki Hanuman ji ke saath saath dekha jata hai, Hanuman ji ki kya samasya thi? Hanuman ji apni shaktiyon ko bhul chuke the. अंदर शक्तियां, एक समय उनके शक्तियां विद्यमान थी, देवताओं के द्वारा उनको ब्लेसिंग्स दिया गया था, उनसे उनके अंदर शक्तियां गई और उन्हीं देवताओं के द्वारा या वो ऋषि क्या नाम था उनका, उनके श्राप के कारण वो अपनी सारी शक्तियों को भूल गए थे. तो और ऐसा फिर उनको ऐसा वरदान मिला, जब देयर विल बी अ नीड टू सर्व द लॉर्ड, जब उसकी आवश्यकता होगी और जब आपको कोई आपकी शक्तियों का एहसास दिला देगा, उसको दोबारा याद दिला देगा दोबारा से आपकी शक्तियां, तब ये सारी शक्तियां आपको दोबारा प्राप्त हो जाएंगी और आप उनका इस्तेमाल कर पाओगे किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए, जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो जामन जी ने एक कार्य किया हनुमान जी की. अभी उससे पहले क्या कर रहे थे हनुमान जी? ही वॉज यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ्स एबिलिटीज पावर पोटेंसी इन डिस्ट्रक्टिव मिस्चीवियस एक्टिविटीज इन अ नॉन प्रोडक्टिव मैनर और टू हार्म और टू टीज अदर्स. सो ही वॉज यूजिंग एनर्जी, सो दैट इज ही वॉज forbidden or stopped for some time for using such energies. And then Jaman ji, as a perfect spiritual master, perfect mentor, channelized energies to utilize in fulfilling the mission of Lord Ram. So someone may have skills, talents, but he may be using it for wrong purposes. So we need someone, experience or person or mentor person, devotee, guide, who can challenge, channelize our energy in spiritual services, spiritual goals. हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का example. किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को लगाया बड़ा बड़ा मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए. उनके पास शक्तियां थी,
Americans are considered advanced in terms of intelligence also, and in terms of managing abilities also, in terms of execution also. They like do it big, and Prabhupada was even more visionary than them. Yes. जैसे प्रभु जी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 18-20 साल के युवा जिनके अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया था, अचीव कुछ खास किया नहीं था, लेकिन यस दे हैड सच पोटेंशियल, एंड प्रभुपाद यूज इट वेरी नाइसली. नए नए लोगों को संन्यास देकर ऐसी ऐसी जगहों पर भेजा. प्रभु जी वॉज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ शुद्धी प्रभु. 17-year-old devotee was sent to South Africa to preach. So I have met him, Shudhi Prabhu. He is in Vrindavan, and he came to our temple, stayed for a day or two, and gave Bhagavatam class also. So, but I never knew that he such a great personality he is. Otherwise, we would have requested him to share his experience. And similarly, yeah. भक्ति विकास महाराज वेंट बर्मा, है ना, देर वॉज नो वन. अगर उनका आप सुनेंगे बर्मा कैसे गए, देर वॉज वन पर्सन इन बर्मा जिसको प्रभुपाद पुस्तक मिली. उस समय प्रभुपाद की पुस्तकों में लिखा जाता था, एक कूपन होता था, फॉर अ गिफ्ट वाउचर राइट बैक टू अस, गिफ्ट वाउचर वापिस वो लिखकर भेज दिया. प्रभुपाद को एक बुक प्राप्त हुई, और जब वो कुछ समय बाद वापस आया तो देखा भक्ति विकास महाराज उसके घर पे बैठे हुए हैं. तो कैसे आ गए? आजकल का वीजा समाप्त हो रहा है, ऐसे ऐसे और उन्हें आना ना था, या उनको बर्मा आना था. उन्होंने देखा आप कहाँ जाएं, कैसे करें, बर्मा जाना है. उन्होंने बोला अच्छा ये एक गिफ्ट वाउचर का रिक्वेस्ट आया हुआ है, दैट मीन्स पर्सन इज लिटिल बिट पॉजिटिव. महाराज चले गए, और प्रभुपाद ने 6 कपल्स को भेजा जिसके पास पैसा नहीं था. ब्रह्मानंद स्वामी को पाकिस्तान भेजा, और रामामा महाराज को जापान भेजा, तमाल कृष्ण महाराज को चाइना भेजा, और दे अचीव्ड. प्रभुपाद चैनलाइज एनर्जी, सो दैट इज व्हाट अदरवाइज दैट विल बी ईदर द एनर्जीज आर यूज्ड ईदर इन destruction of the society, otherwise in self-destruction by engagement in sense gratification activities. And that is why we always need the guidance of a mentor or a guide to channelize our energies. We always are in need, or we should say we always in dire need of such guidance. Otherwise these energies will prove to be very destructive, either to us or either to the society. So we are always in need of a mentor like Janman. Then the next. The next challenge in front is a huge vast ocean which represents what kind of anatha? Yes, it represents one particular kind of anatha. Yes, no. थोड़ा सा आपको बताता हूँ, शायद जब बात आ रही ओशियन को क्रॉस करने के, तो सब लोग एस्टिमेशन कर रहे थे. क्या बता रहे थे? कितना जा पाएंगे. तो व्हाट दे वर एक्सप्रेसिंग, देयर एबिलिटी, देयर स्ट्रेंथ वीकनेस एंड यस, बट देयर वॉज वन फॉल्ट इन देयर डिस्क्रिप्शन. व्हाट वॉज दैट?
that they were relying on their own abilities. So they were more focusing on their own physical strength. So that is called pride or deha abhiman. Yes, it is not wrong to know one's limit also. It is also not correct to have faith on the strength and potency of the Lord. And one is power and the other is empowerment. So if one simply thinks or considers this and has a pride because of his own physical strength, so that is not very good. But if one have faith on the strength of Lord, then he will be successful for sure. So वानर जो एक्सप्रेस कर रहे थे, they were describing their ability because of their physical strength. और हनुमान जी was different. His viewpoint was little different. He considered himself incapable, insignificant. He considered himself like an arrow. Prabhuji describes that he considered himself like an arrow. So arrow kya matlab? Arrow vishesh roop se. Arrow does not depend on his own strength. Arrow depends on the strength of a shooter. And apart from strength, the thing, the skill of the shooter. The skill and strength of the shooter. Agar कितना भी बढ़िया तीर हो, कितना भी बढ़िया तीर हो, लेकिन बनान उसको चलाने आने वाला अनाड़ी है, तो वो अपने साधना को भेद नहीं पाएगा, क्या वो लक्ष्य को भेद नहीं पाएगा। ओलंपिक्स में जो तीर अंदाज होते हैं, सबको एक ही प्रकार का तीर दिया जाता होगा ना, तो उसको कोई एक आधा ही निशाना लगा पाता है, जो कि तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो जैसे मैंने शुरू किया था कि हनुमान जी ने छलांग लगाई, और जब छलांग लगाई तो उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया, राम। सो ही हैड फुल फेथ ऑन द होली नेम और ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड राम। तो रा बोला तो छलांग लगाई, और जब माँ बोला तो वो पहुंच गए। बीच में इतना लंबा समय भी निकल गया कि तीन ऑब्स्टेकल्स से उन्होंने पार भी पा लिया, और 100 योजन का समुद्र आना प्रभु। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमको अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करना, हमको डिपेंड करना है ऑन द मर्सी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड। भगवद गीता में अर्जुन को भगवान यही संदेश दे रहे हैं, निमित्त मात्रम भवे सब साची, कि आपको सिर्फ निमित्त बनना है। ये तो मेरे द्वारा पहमारे जा चुके हैं, आपको सिर्फ क्रेडिट लेना है, क्रेडिट। तो जिसको ऐसा विश्वास होता है, फिर उसको सफलता प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रभुपाद जी यही मूड था। जब प्रभुपाद जी जलदूत में यात्रा करके पहुंचे, जलदूत में उन्होंने प्रेयर लिखा कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, हालांकि मेरा नहती वेदांत है, लेकिन मैं पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता हूँ, और सबसे ज्यादा मुझको पूर्ण विश्वास है मेरे हरि नाम के ऊपर। मेरे हरि नाम के ऊपर बस एक ही मेरा एक इस प्रकार से है कि मुझे आपके नामों पर पूरा विश्वास है, आप पर पूरा विश्वास। दैट इज द क्वालिफिकेशन। आपको लगता है तो मेरा नाम सार्थक कर सकते हो।
और फिर कहते हैं, विश्वास जताते हैं कि लेकिन मुझे यकीन है इस ऐसे प्रदेश में आप मुझको लेकर आए हो तो आपका कोई ना कोई जरूर कार्य होगा, नहीं तो आप मुझको यहाँ पर नहीं लाए होते। तो ये भी विश्वास है कि कृष्णा है सम पर्पस टू फुलफिल। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, हम ऐसी स्थिति में ऐसी सर्विस में हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी सेवा है, इसका क्या मतलब है। कृष्णा हैज सम पर्पस टू फुलफिल थ्रू मी, सो वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा। दैट मीन्स हमको अपनी पूरा एबिलिटी देना है, पूरा जितना है उसको करने का प्रयास करना है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो जैसे कि देह अभिमान की चर्चा कर रहे थे, तो देह अभिमान से ऊपर उठकर, जो कि हमको हमारी ही ग्रेटनेस में बांध देती है, उससे ऊपर उठकर हमको सेवा करने का प्रयास करना है भगवान पर पूरी तरह से निर्भर रहकर। एंड द नेक्स्ट व्हेन ही वाज फेसिंग सम चैलेंजेस, तो जो सबसे पहले मैनन पर्वत आया, yesterday I'm not sure whether I mentioned it or not, it was a mountain of gold, so it was a mountain of gold. So what does it represent? Allurements, byproducts, or the fringe benefits from bhakti, है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। तो चेतन चिंतामृत में इसके विषय विषय में बताया गया है। तो ये इनको ये फ्रिंज बेनिफिट्स को क्या बताया जाता है, इनको बताया जाता है वीज या उपशाखा। जिस प्रकार से एक मेन क्रॉप है उसके साथ साथ वीज हैं, अगर वीज उगती रहेंगे, जिसको हिंदी में खत पतवार कहा जाता है, अगर उसको नहीं लेंगे तो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो ये वीड्स ले जाएंगी और भक्ति लता को कुछ प्राप्त नहीं होगा, वो नरिशमेंट नहीं होगी, यानी भक्ति में एडवांस नहीं कर पाएंगे, पूजा लाभ प्रतिष्ठा ही बढ़ती ले जाएगी और हम अपने हमारा लक्ष्य से डिफीट कर जाएंगे। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्य तार लेखा। बहुत आसान है, अगर भक्ति लता के साथ उपशाखा उठ जाएंगी तो भुक्ति मुक्ति की इच्छा यानी वांछा वो बहुत बढ़ जाएगी। और ये ऐसी जो क्रीपर्स हैं ये बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, दे असंख्य हैं। निषिद्ध आचार कूटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा यद उपशाखा गण। तो क्या क्या है, निषिद्धाचार कूटी नाटी जीव हिंसा पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि। तो ये आप समझते, निषिद्ध आचार जो कि निषेध कार्य है, जो कि करने नहीं चाहिए, डोंट्स इन डिवोशनल सर्विस। सो देयर आर डूज एंड देयर आर डोंट्स। कूटी नाटी, हाँ, डिप्लोमेसी पी पॉलिटिक्स जी हिंसा वायलेंस लाभ बेनिफिट प्रॉफिट पूजा मान सम्मान प्रतिष्ठा डिस्टिंक्शन। So Prabhupada is writing full meanings, lab and puja. So puja, lab is writing profit according to material calculation in terms of monetary gains etc. And puja, adoration achieved by satisfying mundane people. And pratishtha, becoming an important man in material calculations. तो इससे ये क्या है, सारी उपशाखाएं, इनकी तरफ हमारा ध्यान चला जाएगा। अगर इनसे
इनसे हम दे आर कॉल्ड द फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ऐसे आएगा एल्योरमेंट्स, ऐसे आएंगे चेक करने के लिए कि ये साधक अपनी साधना में कितना सही है या कितना डिटर्मिंड है। तो इसका क्या क्या प्रभाव होता है? शेक जल पाए उप शाखा बड़ी जाए, स्तब्ध है मूल शाखा बड़ी ते ना पाए। तो उप शाखा बढ़ती चली जाएगी और जो मूल शाखा है भक्ति लता हो गया स्तब्ध हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो भक्ति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, फिर इसका किसी को कोई चिंता नहीं होगी। पान सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी ज्यादा चिंता उसको लगी रहेगी। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी मतलब इसमें दिक्कत ही क्या है, है ना? अगर किसी को कोई मान सम्मान प्राप्त हो रहा है या किसी को अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? ये तो अच्छी चीज है, अच्छी वस्तु है। यस प्रभु जी राधा दालीपुर, मतलब अगर ये प्रॉफिट्स जब अगर नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति भक्ति भी छोड़ सकता है। अभी प्रश्न यह है, तो अच्छी चीजें हैं, तो पहला एक प्रश्न यह है कि अच्छी चीजें हैं कि नहीं है। As long as they are not disturbing oneself from the goal of Krishna, like this was even Guru mentioned yesterday, these things are not replacing Krishna from his goal, then there is no issue. If they are missing, then it's great problem. There are many famous devotees, Ramanand Rai, Amrish Prabhu, or पहले के ज़माने में थे महाराज अम्बरीश. They were devotees. They were king, wealthy, rich, aristocratic. What's wrong with it? They were able to engage it in service of Krishna and Guru Parampara. So that is the point actually. So unless Ramkripa Prabhu is right in that sense, unless and until they are disturbing us from our goals, but the problem is that the risk of getting diverted increases. And that is why Kunti Maharani is praying, Janam Aishwarya Shruta Shishir Edha Mana Vana Puman. तो इसीलिए वो प्रार्थना कर रही हैं कि इससे जो है ना व्यक्ति का अहंकार बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, डाइवर्ट, जैसे हमने कल डिस्कस किया इन डिटेल। तो इनसे डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमको ये जरूर जानना चाहिए और या कि वो टेम्परेरी मटेरियल बेनिफिट्स में फंस जाएगा और जो उसका स्पिरिचुअल एटर्नल गोल है उसको भूल जाएगा। जैसे अगर हनुमान जी वो सोने का पर्वत के पर रेस्ट कर लेते तो भक्ति ती देवी है उनको कभी प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसी तरह ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कि अल्टीमेटली कुछ है, हमारा गोल भक्त है, हमें भक्ति प्राप्त करनी है। तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स हमारा कहीं नहीं ध्यान नहीं भटका रहे हैं, हम हमारी साधना से भटका नहीं रहे हैं, इसका हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि प्रभु जी आज डिस्कस किया कि मेहनत उतनी ही करनी चाहिए जितनी आवश्यकता है, ज्यादा मेहनत करके हमारा गोल से भटक जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। एंड देन आगे बढ़ते हैं, सुरसा से मिलते हैं। तो सुरसा से मिलते हैं
तो जैसे कि डिस्कस किया, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्राइड, मतलब इट रिप्रेजेंट्स प्राइड। तो प्राइड इंटरनली किस रूप से यहाँ पर कार्य करता है, सो व्हाट प्रभुजी इज राइटिंग, समटाइम्स द प्राइड डेवलप्स व्हाइल वी आर हेल्पिंग अदर्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिट करने में ही प्राइड बढ़ेगा, दूसरों की हेल्प करने से भी प्राइड उत्पन्न हो सकता है। उनको ये सोचेंगे निकृष्ट अवस्था में है और देखो मैं तो महान हूँ, मुझे तो आता है, या मैं तो मदद कर सकता हूँ, मेरी तो साधना अच्छी चल रही है, या मेरा तो स्कोर भी अच्छा हो रहा है, तो उससे भी प्राइड उत्पन्न हो सकता है समटाइम्स। और ये प्राइड क्यों उत्पन्न हो रहा है, बिकॉज ही कंसिडरिंग हिमसेल्फ अ डूअर, करता हम इति मन्यते। तो उसको जो भी सक्सेस प्राप्त हो रही है, सोचता है कि सब मेरे को अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त किया है, है ना, ये सेल्फ मेड, मैं अब पाँव पे खुद खड़ा हुआ हूँ, तो ये मेरी मेहनत का नतीजा है। आज मैं जिस स्थिति पे पहुँचा हूँ, इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है, का आप अंदाजा भी नहीं सकते। तो ऐसा व्यक्ति को खुद पर बहुत घमंड होता है, और तो जब वो दूसरों की मदद भी करता है तो उसको यही एहसास रहता है कि इनकी मैं मदद कर रहा हूँ। लेकिन इस स्थिति से अपने के लिए प्रभु जी जो बताते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए, अपने आप हमेशा हम्बल पोजीशन में मेंटेन करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वॉट एवर अचीवमेंट्स आई हैव गॉट, इट इज़ ऑल बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, एंड विदाउट द गाइडेंस एंड सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट आई वुड नॉट हैव अचीव्ड all such positions, and the strength and the abilities, these are imparted by the Lord. और भगवान चाहे तो वो कभी भी मुझसे ले सकते हैं। जब अर्जुन के साथ ऐसा हो सकता है तो हम किस खेत की मूठी है। So we are not getting into details, but yes, it happened with Arjuna also. तो हमेशा ये करना चाहिए, वी सोचना चाहिए, वी आर जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट और अ टूल इन द हैंड्स ऑफ अ मास्टर। एंड द लास्ट जैसा कि पहले हम चर्चा कर रहे थे, द लास्ट रिप्रेजेंट समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर वर वन टू यूज इज इंटेलिजेंस, एंड समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू यूज इज ह्यूमिलिटी, एंड समटाइम्स इज इंटेलिजेंस, एंड सम वेयर टू डिस्प्ले व्हाट। यहाँ पर सिमिका के साथ साथ हनुमान जी डेल्ट इन अ डिफरेंट वे, और आगे जाएंगे तो लंकनी से उसका हम डिस्कशन करेंगे, तो ही डेल्ट इन अ डिफरेंट वे। तो समटाइम्स वन हैज टू यूज हिज इंटेलिजेंस आल्सो। और सुरसा के केस में ही बिकेम लिटिल डिटैच्ड व्हेन डीलिंग विद सुरसा, एंड ही बिकेम एक्सपर्ट और यूज इंटेलिजेंस व्हेन ही डेल्ट विद सिमिका। हाउ सुरसा के इसमें किस प्रकार से डिटैच हुए, सुरसा ने हनुमान जी को कहा देखो तुम भगवान के भक्त हो, भगवान के भक्त शरीर से कोई आसक्ति नहीं होती, और क्योंकि तुम्हें शरीर से कोई आसक्ति नहीं है तो आपको अपने शरीर को सेवा लगाना चाहिए, और मैं भूखी हूँ और मेरी सेवा करनी चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरा भोजन बन जाना चाहिए। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के द्वारा हनुमान जी को डिफीट करना चाहती थी।
तो हनुमान जी ने उनको जो उत्तर दिया, ठीक है, हनुमान जी ने उनको उत्तर दिया, मुझे आपका भोजन बनने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूं, और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि मुझको इस शरीर से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आपका भोजन बन जाऊंगा, पहले मैं लंका जाऊंगा, सीता माता का पता लगाऊंगा, सीता माता का पता लगाने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन सारी रिपोर्टिंग प्रभु श्री राम को करूंगा, तब जाके सेवा पूरी मानी जाएगी, बिना रिपोर्टिंग के सेवा पूरी नहीं मानी जाती, तो हनुमान जी को भी पता है। तब तब मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूं। तो इससे वो बता रहे हैं कि एक साधक को अपने शरीर के से ज्यादा शरीर से इतना अटैचमेंट नहीं है, उसका ज्यादा अटैचमेंट है अपने अपने गुल से, अपने मन से या अपनी सेवा से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि शरीर से अटैचमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर की दुर्गति होने जाए या उसका इस्तेमाल ही ना किया जाए। यहाँ पे हनुमान जी ने उसको प्रोटेक्ट किया, तो डिटैचमेंट है उनको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अभी भी उसकी आवश्यकता है सेवा के लिए, तो इसीलिए हनुमान जी ने उसको प्रोटेक्ट भी किया। सनातन गोस्वामी वो डेजर्ट के रास्ते से गए थे, सनातन गोस्वामी श्योर रेत के रास्ते से, सनातन गोस्वामी रेत के रास्ते से पुरी में मिलने गए महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो आत्महत्या करना चाहते थे जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आने के आकर, क्योंकि उनको बीमारी हो गई थी। महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया, उनका रोग भी दूर किया और उनको समझाया भी, ये आपका शरीर आपका नहीं है, ये इसको मिशन के लिए मुझको इस्तेमाल करना है। तो कभी कभी ऐसा कभी हो जाए तो शरीर की को प्रोटेक्ट करने की अगर आवश्यकता भी पड़ती है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए उसके लिए। अभी हम सारे मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, देखा जाए तो एक तरह से शरीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना कोरोना वायरस से, लेकिन ये आवश्यकता है, गवर्नमेंट का वो भी है आवश्यकता भी है, जैसे अभी मंदिर का एक बताया गया आपको, तो क्योंकि इतना ध्यान नहीं रखा गया तो सेवा में बाधा आ गई, देयर इज नो वन टू सर्व द डीटीज, सच अ पेनफुल सिचुएशन, सैड थिंग। तो इसीलिए कभी कभी इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो बुद्धिमानी से आसक्ति नहीं है शरीर के साथ, लेकिन धीमानी से बैलेंस ना कर रखते हुए शरीर का भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बताते हैं आर बॉडीज आर लाइक अ बोट विच हेल्प अस टू क्रॉस दिस ओशियन ऑफ मटेरियल एक्जिस्टेंस, है ना, और शरीर माध्यम है सेवा का, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। और जब सिमी का सील किया हनुमान जी ने, तो ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ आल्सो और हिज एक्सपर्टीज आल्सो, तो ही इमीडिएटली रियलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज और इनका मुझको किस तरह से उत्तर देना है, है ना। तो शी कुड नॉट इवन थॉट ऑफ, वो सोच भी नहीं पाई, उससे पहले ही हनुमान जी ने इतना सूक्ष्म शरीर ले लिया और उसके मुंह के अंदर प्रवेश कर गए और अपने शरीर को बढ़ाते और छोटा करते रहे और छोटा करते 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 उसके पेट में पहुंच गए, और अब पेट में जाकर वो कुछ भी कर सकते थे, और वहां पर उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया और फिर उसको बाहर निकला। तो वो मतलब उसको पता भी नहीं लग पाया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। So that is in that sense he used his expertise in dealing with Simika.
तो दैट मींस सिमिका किसको रिप्रेजेंट करती है, एनवी को रिप्रेजेंट करती है, और एनवी एनवी इज कंसिडर्ड अ डिमोनिक ऑब्स्टेकल, है ना। तो वो कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इसमें एनवी एक है मत्सर्य, तो केवल इसको भगवान की सेवा में लगाया नहीं जा सकता, इसको तो एलिमिनेट ही करना पड़ता है, बाकी सभी को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। गोपियों ने काम को लगाया, हनुमान जी ने और अर्जुन ने क्रोध को लगाया, इस प्रकार से सभी ये अनर्थ भगवान की सेवा में लगाए जा सकते हैं, केवल एनवी ऐसा है, एनवी जिसको कि त्याग करना ही पड़ेगा, जिसको त्यागे बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते या भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, और इसके लिए इसीलिए हनुमान जी ने उसका सफाया कर दिया, बिकॉज शी रिप्रेजेंटेड एनवी। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हनुमान जी ने इंटेलिजेंस और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया इस प्रकार के इंटरनल ऑब्स्टेकल्स को डील करने के लिए, एक भक्त को चाहिए कि वो इस प्रकार के ऑब्स्टेकल से डील करे, सो दैट एट वन डे वी कैन ऑल्सो होप टू अचीव भक्ति देवी सीता माता। सो दिस इज व्हाट इज मेंशन, वी ट्राई टू डिस्कस, let us summarize in 2-3 ways, then we'll wind up for the day, or any question, let us summarize and then we'll take a question or two, jaldi hum summarize kare the life perspectives and then from the future perspectives, from the ek ek karke aap boliye pehla to bolte raho, the beginning to achieve a goal. When we lack confidence, we are in confusion, need counseling of a counselor expert. Yes. So, goal achieve. से पहले there can be a lack of confidence, और हमें mentor can help. Yes. Next. Goal and reward. We should never lose sight of the goal. Yes, we should never lose sight of the goal. तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? ये उसके बाद था, उससे पहले हाँ गोल पता होना चाहिए, साइड हमें अपना गोल पता होना चाहिए, हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है और हमारी फिनिशिंग लाइन क्या है, और उसके लिए वी नीड फेथ, अ लीप ऑफ फेथ, और उसके लिए हाँ मेडिटेशन दैट कम्स बाय प्रेइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन दैट कम्स बाय प्रेइंग। नेक्स्ट 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 आप जो बता रहे थे एल्योरमेंट्स, दैट इज मैनक पर्वत गोल माउंटेन, नीडलेस कॉम्पिटिशन, उसे कैसे कम करना चाहिए, जस्ट गिव इट अप, नीडलेस कॉम्पिटिशन, डू नॉट वेस्ट टाइम, जस्ट गिव इट अप। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ तो इससे क्या है, हम अपनी प्रति में बाधा बन रहे हैं, इंस्पिरेशन नहीं ले पाएंगे। एंड व्हाट वर द स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट्स, मदर सीता भक्ति देवी, नेवर फॉरगेट दैट आर गोल इज भक्ति इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आर गोल इज प्योर डिवोशन सर्विस, अटेन द लोटस फीट ऑफ मदर सीता भक्ति देवी, नेवर फॉरगेट, हमेशा ये याद रखना चाहिए, ये हनुमान जी के मिशन से द गोल इज टू अटेन भक्ति देवी, दैट इज आवर गोल, नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, नहीं प्राइड से पहले, सबसे पहले सेल्फ डाउट,
डाउट, जैसा हनुमान जी को डाउट था. सो व्हाट इज द रेमेडी? वी नीड इंस्पिरेशन फ्रॉम अ मेंटर. व्हाट द मेंटर डज? चैनलाइज आर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो कि हम वी वर यूजिंग ओरिजिनली इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, नाउ इन पॉजिटिव स्पिरिचुअल सर्विसेज इट कैन बी इजली चैनलाइज. नेक्स्ट. यस, रिलाइंग ऑन वन्स ओन एबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड देह अभिमान or the pride in one's own abilities or greatness. How to overcome this? Acting as a nimit matra and not relying one's own abilities. And having faith on Lord and the holy name of the Lord, like Hanuman chanted Ram, thinking himself like an arrow. So depending on the strength and skill of shooter. Next. Manak purpose. What does it represent? Fringe benefits. Yes, fringe benefits from the bhakti. Unse kaise bachna hai? He denied these offers and focused his all his attention to his the ultimate goal that is devotion to the Lord. So do not get allured by such fringe benefits and never forget the side of his goal. Next, fourth. Pride of his spiritual successes or the contributions also. And yes. And it also comes by helping others also. It can come by considering oneself superior. So you see, when we are serving or helping others, consider we are small and humble and we are dependent. We are not the doer. Yes, we are not the doer. We are just the instrument and not the cause. And the last? Simiga. Yes, represents envy, which has to be eliminated, which cannot be utilized. It has to be given up. So Hanumanji used his intelligence and expertise to deal with all these obstacles. Any question or clarification? Hare Krishna. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.